आज भाई राजद के वरिष्ठ नेता उस्मान गनी साहब, राजद के जिला अध्यक्ष सीमा भाभी, असोफी साहब, देवन भाई, एम के रिजवी भाई, हैवर भाई, सरवर भाई, कमरूल भाई, राजद के सभी वरिष्ठ नेताओं को और मेरे सामने मेरे सभी राजद परिवार के सदस्यों को मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज ये बड़ी दुख की बात है, ये जेडीयू सरकार, ये बीजेपी सरकार ये भूल गया है कि ये जो नीतीश सरकार जो महागठबंधन के नाम पे वोट लिए, बिहार के जनता जिन्होंने यकीन के साथ, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ महागठबंधन सरकार को वोट दिए, मगर ये जेडीयू ये जाके बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। वादे तो बहुत किए, विकास करना है, कहाँ है विकास? और बिहार के जनता आपसे ये सवाल पूछना चाहता है, ये सभी आलम बाबू सरकार से ये सवाल पूछना चाहता है कि जब आपको वोट मिलता है तो उस यकीन पे मिलता है, उस भरोसा पे मिलता है, तो क्या आप भूल गए हैं कि 5 साल में फिर वोट आएगा और आप क्या जवाब देंगे? जब आप ये महागठबंधन को तोड़े तो एक तरफ से आप समझिए कि आप जनादेश का अपमान किए हैं, बिहार के जनता का अपमान किए हैं, हमारे सीमांचल वासियों का अपमान किए हैं। भाइयों दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो ये रफाइल डील हुआ ये कितना घोटालाबाज हुआ है ये सबको मालूम है। आज आप देखिए लुंगी में सवाल ये किस तरीका से आप ये कर रहे हैं, जगह का नाम बदल रहे हैं, ये सब बिहार का जनता नहीं चाहता है। बिहार का जनता चाहता है तो काम हो, विकास हो, और आप इन्हीं मुद्दे से हट रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस वक्त ये सरकार राजद छोड़ के ये नीतीश सरकार जब बीजेपी में गए तो हमने टाउन हॉल में यही कहा कि दिन बीत जाती है सुहानी यादें बनकर, दिन बीत जाती है सुहानी यादें बनकर, बात रह जाती है कहानी बनकर, पर सच्चे दोस्त तो वो होते हैं कभी आग की आंसू तो कभी होठों की मुस्कान बनकर। भाई और दोस्तों, ये सबों को सोचने वाली बात है, जब हमारे प्यार के जनता जब आप पे यकीन करता है, आप पे भरोसा करता है, तो उस यकीन को अगर आप तोड़िएगा, उस विश्वास को अगर आप तोड़िएगा, उस भरोसा को आप तोड़िएगा, तो जो जनता आपको वोट देके सरकार में बैठा